नमस्कार, मैं हिना श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है। देश के अलग अलग प्रदेशों में लॉकडाउन में कुछ छूटें दी गई हैं। वहीं दिल्ली में मेट्रो रेल बंद कर दी गई थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपनी सेवाएं 7 सितंबर से फिर से शुरू करने जा रहा है। मेट्रो से यात्रा करने के लिए फिलहाल टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उससे वायरस फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड खरीदने की व्यवस्था रहेगी और यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर पाएंगे। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। अब सेवाएं फिर से शुरू किए जाने पर स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज के लिए डिजिटल तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेन में यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सीट पर मार्किंग भी की जाएगी, साथ ही साथ स्टेशन पर भीड़ ना लगे इसके लिए मेट्रो स्टाफ और सिविल वॉलंटियरों को तैनात किया जाएगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था हर स्टेशन पर सुनिश्चित की जाएगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी यात्री नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो मेट्रो के अधिकारी और तैनात पुलिस अधिकारी उल्लंघन करने वालों को चालान काट सकते हैं। मेट्रो ट्रेन में एयर कंडीशन का इस्तेमाल नई गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा, जिससे ताजा हवा की मात्रा ट्रेन में लगातार बनी रहे। जिन स्टेशनों पर यात्रा सेवाएं बहाल की जाएंगी उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके बारे में जल्द ही आम आवाम को बता दिया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, मुझे खुशी है कि लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के लोग एक बार फिर से मेट्रो का यात्रा कर पाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जा सके। सभी एंट्री पॉइंट पर यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। यात्रा के लिए टोकन जारी नहीं किए जाएंगे। यात्री केवल स्मार्ट कार्ड का और भुगतान कर सकेंगे, अन्य डिजिटल तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। हम सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करेंगे, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि मेट्रो चलने से दिल्ली की जनता को एक बार राहत मिलेगी। हमने जिस तरह बसों की सेवाएं सफलतापूर्वक बहाल की, उसी तरह हम सारे नियमों का एहतियात कर ख्याल रखकर मेट्रो की सेवाएं बहाल करेंगे।